गांधीयाल जो विषय उन्होंने सदन में रखा है वो माफी योग्य नहीं है। इस्तीफा सरकार से दे, सरकार से इस्तीफा दे। उनका मानसिक संतुलन खो चुका है मुख्यमंत्री जी का, वो डिरेल्ड हो चुके हैं, अपने पद से हटे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। सेक्स वाले बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सदन के अंदर जो बातें कहीं, उसके बाद बीजेपी की महिला एमएलसी फफक फफक कर बाहर आकर रोने लगी और आज एक बार फिर से गुस्सा फूटा। कह दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, डिरेल हो चुके हैं, क्या कुछ कह रही हैं, आज तो बहुत गर्जी हैं। देखिए, आज जिस तरह से उनका माफी मांगने का लैंग्वेज था वो आप लोगों ने सुना होगा। अगर कोई मेरी बात से आहत हुआ है तो मैं माफी मांगता, मैं खुद को निंदा पसंद अपने करता हूँ। तो ये मुख्यमंत्री डायरेक्ट माफी नहीं मांग रहे, आज भी उनका जो जिलेबी कुमार मानिए विजय चौधरी जी है उन्हीं के लैंग्वेज नीचे से आज वो विधानसभा में आकर इस्तीफा मांगे है। इस्तीफा अगर मांगना है तो गांधी मैदान में खड़ा होकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री मांगे, सारी आदि आबादी को जिससे उन्हें अपमानित करने का काम किया दोनों सदनों में। इस माफी मांगने से नीतीश कुमार को बिहार की महिला माफ करने वाली नहीं है। और आज वो माफी जो उन्होंने मांगा है घुमा फिरा के, अगर गंगा जल में, गंगा मैया में गोद में खड़े को भी मुख्यमंत्री इस्तीफा मांगेंगे तो जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया और जो विषय उन्होंने सदन में रखा है वो माफी योग्य नहीं है। और जब तक मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे इस विषय पे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। क्या चाहते हैं, कहां जाके इस्तीफा मांगेंगे? इस्तीफा सरकार से दे, सरकार से इस्तीफा दे। उनका मानसिक संतुलन खो चुका है मुख्यमंत्री जी का, वो डिरेल्ड हो चुके हैं, अपने पद से हटे। तो आपने सुना बीजेपी की महिला एमएलसी जो बीते दिनों फपक फपक कर रो रही थी, कह रही थी कि महिलाओं को अपमानित किया गया है सदन के अंदर, जिन शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया वो कहीं से भी उचित नहीं है। और आज जहां एक तरफ तमाम बीजेपी के एमएलसी नारेबाजी कर रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे थे, वहीं महिला एमएलसी कैमरे के सामने आकर कहती हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के डिरेल हो चुके हैं, मानसिक संतुलन खो बैठा है, उन्हें गांधी मैदान में आकर खुले मंच से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी वो कहीं से भी उचित नहीं है। महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर की है और आज बहुत गर्जी हैं। आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।